Gopi. तो ये देखे दोस्तों, यहाँ आग और पानी का संगम मशीन है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी मस्त ही हैं। और स्कूल के बंद होने के बाद जैसे ही मैंने खाना वाना खाया, तब तक पता चला कि जो कि गाड़ी ही खराब हो गई। तो अभी आए हैं वहीं पर और चीज़ें अब देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली आज बहुत परेशानी हुई, और परेशानी कुछ इस तरह से हुई कि स्कूल की गाड़ी एक ख़राब हो गई। गाड़ियां अक्सर ख़राब हो जाया करती हैं हम लोगों की, कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है। यहाँ मिस्त्री के यहाँ लेकर के देखिए, ये पूरा इंजन फुला हुआ है, उसको बनाया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। फिर अभी गणवार में हम लोग खड़े हैं, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे बलिया लेकर के, तो फिर एक बनेगी। थोड़ी सी गलती के कारण ऐसा हो गया ना मिस्त्री, असल में जान नहीं की इधर ही कंपनी नियम देले पे 50,000 पर। हाँ हाँ बदल दो, 50,000 मत इंतजार करिए कि 30 से 40 पर चेंज करा दी। लाइफ 40 बहुत पे करेगी। हाँ हाँ हाँ, बेल्ट जल्दी 40 पर चेंज हो गए रही ताजी नौगते ना। तो टाइमिंग बेल्ट होता है दोस्तों, जो लोग भी मैजिक चलाते होंगे ध्यान रखेंगे, और हमारा ध्यान उतर गया, इसलिए उतर गया कि स्कूल 2 सालों से बंद चल रहा था, तो परेशानी थी इस कारण से। तो टाइमिंग बेल्ट हमेशा 30-40 हज़ार रुपये बदल देने पर जो है कि सारी चीज़ें सही रहती हैं। और वो मधुरिया जाते तो कोई बात नहीं है ना, थोड़ी ना फिट होती। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ आग और पानी का संगम मशीन है। पानी भी गिरा रही है, साथ साथ आग भी जल रहा है, इतना जबरदस्त तरीके से ताकि वो उसकी धुलाई भी होती रहे और फिर वो बनता रहे। तो देखिए इसको कैसे माप रहे हैं लोग। ये जो है कि मेरा ये गड़बड़ हो गया था, देखिए हैवेल्स का था, तो मैं आया यहाँ पर, बालाजी की दुकान है यहाँ पर, और मैं यहाँ से अक्सर स्कूल का पूरा सामान भी जाता है। तो देखिए अनरेबल कस्टमर या अनरेबल जो दुकानदार हैं उनका ये मतलब कि तुरंत उन्होंने कहा कि ठीक है इस पर का मिटक गया तो कोई बात नहीं है, मैं इसको आपको वापस कर दूंगा। तो फिर हमको ये दे रहे थे, फिर मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि आप इसको ले लीजिए, 2 जगह लगा देंगे तो लगभग आपका हो जाएगा, और कुछ थोड़ा सा हम पैसा भी इनको दे देंगे, अच्छा हो जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट इन दोनों को ही लिया, और 2 जगह शिफ्ट कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। और ये हैं बिल्कुल गौरव जैसे, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा इनके साथ बॉन्डिंग। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों कि गांव में कुछ डॉक्टरी किस प्रकार से होती है। अरे जैसे यहाँ पे एक डॉक्टर खराब टाइम में था, हाँ तो अब बढ़िया जाना पड़ता, तो हम एक तो पापा बोले चलो सुखपुरा में बहुत फेमस डॉक्टर, नाम नहीं लेती मैं, वो बहुत फेमस है, सुनते हैं कि लोगों को ठीक कर देते हैं, चलते हैं हम उन्हीं के इंजेक्शन लगवा लेंगे। हाँ। हमने चलिए चलते हैं, तो गए तो पापा को बहुत रिस्पेक्ट वगैरह दिया, भाई के प्रबंधक जी आए हैं, ले गया अपने केबिन में छोटा सा, चलिए इंजेक्शन लगा दे। तो मम्मी भी मेरे साथ गई, तो मेरे को लगाना था कमर में इंजेक्शन, वो क्या किया कि मैं लेटी और कमर में से इंजेक्शन लगा के जैसे ही निकाला तो मम्मी में घोस दिया, अब हम लोग हका पका रह गए। तो भाई लेडीज हैं, हम गए अंदर तो कोई तो जाएगा ना मेरे साथ, छोटा सा केबिन था उसका, उसके बाद वो खतरनाक। मैं बोली पापा मैं वहाँ नहीं लगवाऊंगी, छट्टी पर लगवाने गए हम लोग, तो फिर यहीं पास में एक डॉक्टर के पास गए, तो बोले भाई इंजेक्शन लगा देंगे, तो बोले जरूर लगा देंगे। आई लेटी लेटते ही अब मैं सोची कम अपना कुर्ती उर्ती उठाओ, अरे ये क्या, और वो मेरे कपड़े के ऊपर
गोभी अब हम लोग हक्का पक्का मैं भी खुद पसंद होता हूँ ये कैसे एक लगा दिया गजब है यार ऐसे ऐसे डॉक्टर होते हैं वो तो ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या हुई है दोस्तों, दूसरी ये चीज होती है कि एक बार मैं एक्सपीरियंस की हूँ कुछ लोकल डॉक्टर से, जैसे बनारस जैसे बनारस में गई थी, लेकिन वो दवा देंगे क्या, वो इतने बड़े सीसी रखे रहेंगे सारी कैप्सूल को खोल देंगे कोई डाल देंगे और उसको आज सुबह लिख देंगे शाम लिख देंगे और उसमें रहेगा बेसिकली पैरासिटामोल यही सब लगे कोई पहचान ना पाए, लेकिन वो जान कोई ना पाए कि कौन सी दवा है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज भी काम होता है कि 20 रुपए की 10 रुपए की वो दवा दे। ये गांव में खूब चलता है दोस्तों, चलता ही है और गांव वालों को भी पसंद आता है खुली हुई दवा। क्या करते हैं क्योंकि वो दवा जो 300 mg होगा उसको तोड़ देते हैं, आधी पुड़िया में सुबह के लिए रख देते हैं, सब आधी पुड़िया में सांस। माने वो खुली हुई दवा में लगता है कि उन सब खुली में सांस ले रहे हैं और लोग खुश भी हो जाते जाके कहते हैं 20 रुपया वाला पेंट छे का 20 रुपये का कोई आता है तो कह रहा है मैं बैठा था दुकान पर तो उसे कह रहा है 20 रुपये का दवाई दे दे दें, 10 रुपये का दवाई दे दें। तो मुझको लगा कि यार ये 10 रुपया 20 रुपये की दवा, वो डॉक्टर क्या वो जो दुकानदार है वैसे ही दे रहा था 20 रुपये की 10 रुपये की। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि बताओ लोग ये मान रहे हैं कि 10 रुपये की दवा 10 रुपये की दे दिया, वो लोग ठीक भी हो रहे थे। और क्या होता है ना कि गांव में जब दवा लोग देने जाते हैं, ये सलेंदर भाई कहानी है, दवा लेने जाते हैं ये नहीं कहते हैं बुखार भाई बस दवा दे दो, वो डॉक्टर को पहले ही कहते हैं कि 10 रुपए का दे दिया 20 रुपए का दे दिया 5 रुपए का भी लोग मांगते हैं। वो डॉक्टर बजट ही बता रहे तो डॉक्टर क्या करेगा, अगर उसके बाद जो दवा सबसे जिस प्राइस जैसा देगा वैसा दवा देगा, 10 रुपए का देगा 20 रुपए, और लोगों को ये लगता है कि भाई अगर 20 रुपए का ले लेंगे तो 4 करोड़ हो जाए पहले तो बच जाएगा ना, 10 रुपए का ला के ले लिए 2 करोड़ के मेरा कहीं नहीं आ रहा ठीक। तो मतलब दोस्तों मतलब ना कि इस तरह की मानसिकता काम करती है गांव में, तो एक आदमी को बवासीर था भी नहीं तो भी ऑपरेशन कर दिया दोस्तों। आज क्या सलेंडर के गांव में मतलब बहुत दोस्ती में मतलब घर आके मुर्गा का बिना बवासीर के बवासीर क्या पसंद कर दिया उसको ऑपरेशन कर दिया। और सोचिए कि अभी एक हाल में खबर आई है कि उनको बस केवल जो है कि थोड़ा सा चोट लगी थी, आप बताओ बताओ थोड़ा सा चोट लगी थी ना, कि लोग सच में ऐसा न करें हाँ। जिससे उतना भारी वो नुकसान, वो भारी क्या उनके जिंदगी का कोई क्या बिल्कुल करेगा? बिल्कुल तो दोस्तों मैं बाइक के स्क्रैच के कारण हाँ। मतलब बाइक कितना स्किड हो जाती है तो थोड़ा सा लोहे के लेग गार्ड से लग गया था, वो 1-2 साल से वैसे ही था, वो छूटते सूख जाएगा तो कोई भी कहता था ना तो कहते थे ना कि भाई ये डॉक्टर से बढ़िया कौन डॉक्टर बा, इतना सस्ता इलाज है ऐसे बेस्ट डॉक्टर के होकर ना करे। वो 2 साल हो गया जो है तो धीरे धीरे वो घाव ना अपने आप ही ना कैंसर का रूप ले लिया, कैंसर हो गया है और इतना भयानक हो गया ना कि पैर पूरा काटना पड़ गया। बताइए दोस्तों लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा नहीं लेना चाहिए तो वैसे ही दोस्तों मतलब ना क्यों ब्यूटी ना दवा इस तरह की नहीं खानी चाहिए। आप लोग इसको जागरूक जो है रहिए, 5-10 रुपए की दवा मत लीजिए। इतनी सारी चर्चाएं किस लिए की गई, चर्चाएं इसीलिए की गई कि प्लीज आप लोग जो है कि जहां भी रहिए तो अब आजकल हर जगह कम से कम जो है कि सरकारी हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं और वहां पर आप जाएंगे तो कोई ना कोई MBBS डॉक्टर ही मिलता है और 1 रुपए की पर्ची कटेगी और आपको दवा मिल जाएगी, तो प्लीज वहां जाइए। नहीं तो थोड़ा सा जो है कि रैप माने जो थोड़ी मोड़ी चीज है तो कभी ले लीजिए, लेकिन कभी स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि अब जैसे प्लास्टर कुछ और हो जाए और दवा किसी और चीज की दवा कोई और खा ली जाए तो उससे क्या होता है कि माने बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज इस पर ध्यान रखिए, स्वास्थ्य ही धन है, इसका आप लोग जरूर ख्याल रखें दोस्तों।